नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। 200 रुपए के लिए खरखुदा में युवक की हत्या, खेत में पड़ा मिला शव। मृतक के दो बच्चे हैं, एक डेढ़ महीने से घर नहीं गया था कुलदीप। रात को हुआ था झगड़ा, कुलदीप का मोबाइल भी गायब मिला, कानों में केवल लीड मिली, शायद आरोपी ले गया। एसआई प्रदीप के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जींद के लखीमपुर पछारी का रहने वाला है मृतक। थाना प्रभारी जसपाल सिंह का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। खरखुदा बाईपास पर खेतों में एक मजदूर की हत्या, 200 रुपए पर बताया जा रहा झगड़ा। एक कान कटा हुआ मिला, सिर पर मार रखी थी ईंट, ईंटों से हुआ हमला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। बताया जाता है कि दोनों कभी कभार खेत में बनी कोठी पर बैठकर शराब पी लेते थे। आपस में कुलदीप व एहसान का 200 रुपए का लेन देन था, जिसको लेकर शाम को उनका आपस में झगड़ा भी हुआ। चूँकि किसानों ने आपस में सुलझा दिया था, जबकि कुलदीप ने उसका फ़ोन छीन लिया था, इसी रंजिश के चलते कुलदीप की हत्या की गई है। कुलदीप जींद के गांव का रहने वाला है, जबकि एहसान पिछले काफ़ी समय से खरखुदा में ही रहता था और कभी राजमिस्त्री तो कभी खेतों में थ्याड़ी पर काम करता था। खेतों में काम करने के दौरान ही कुलदीप एहसान के आपस में जान पहचान हुई थी और कई बार खेत में बनी कोठी पर बैठकर शराब पी लेते थे। मौके पर पुलिस को जो सीन मिला है उसके मुताबिक ईंट पर खून लगा हुआ है, एक बोतल शराब की मिली है जो आधे से ज़्यादा खाली है, एक बोतल ड्यू की मौके पर मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसान भी मौके पर पहुंच गए। सुबह किसान जब मौके पर पहुंचे तो उनसे कुलदीप तखत पर लेटे हुए मिला और उसके पास खून बिखरा हुआ था। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जाँच की तो मृतक का कान कटा हुआ था, गले में फ़ोन की लीड लगी हुई थी, शराब की बोतल व ठंडी की बोतल भी तख्त के नीचे साथ रखी हुई थी, खून बिखरा पड़ा था और ईंट पर खून लगा हुआ था। शक है कि ईंट मारकर युवक की हत्या की गई है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट होगा। भाई साहब, मैं खेती करता हूँ यहाँ खरखुदा में। मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था। कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मंडरुआ मिला। नीचे दो ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया, खेत मालिक को, और तब 112 आई और मौके पर देखा, ये सब आपके सामने है। मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। ये जींद के पास गांव है, इसका गांव का नाम था तो उसमें लिखा हुआ है। वो इसके साथ दारू पीता था शाम को डेली आके बैठ के। पहले ये हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था। उससे पहले 20-25 दिन चंदर के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खरखुदा में रहता है कि मिस्त्री, वो उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के और उन्हीं आपस में झगड़ा हुआ है। चंदर ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 बजे के आसपास। बता कौन कौन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं आई। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।